हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो दिसंबर 2017 रिजल्ट की 15th अपडेट आ गई है और इवेल्युएशन रिजल्ट की भी एक और न्यू अपडेट आ गई है। इसके बारे में आप लोग को पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी क्योंकि ये दोनों अपडेट 3 अप्रैल को ही हो चुके हैं, लेकिन मैं आज लेट से वीडियोज बना रहा हूँ, 5 दिन का लेट से। उसका वजह है कुछ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जस्ट एक मिनट लूंगा आप लोग का, उसमें मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी आप लोग को मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पा रहे होंगे, कम से कम 4-5 दिन के गैप में वीडियोस मिल पा रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ और मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा नॉइजेज होते हैं जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो वीडियोस अपलोड करने की। तो इतना डिले हो रहा है उसकी वजह से, आई एम सॉरी एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जैसे ये छोटी सी बात थी, मुझे लगा कि आप लोगों के वो बता देनी चाहिए। खैर, अब मैं रिवेल्यूशन के ऊपर आता हूँ, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। रिवेल्यूशन रिजल्ट के बारे में ही मैं ज़्यादा अपडेट दूंगा क्योंकि अभी रिजल्ट टर्मिनल रिजल्ट का तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, बस कुछ ही लोगों का बाकी है और रिवेल्यूशन रिजल्ट का लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो रिवेल्यूशन का पहले मैं अपडेट दे रहा हूँ, उसके बाद से 15 अपडेट का जो टर्मिनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे आप पहले आप लोग देख लीजिए, 3 अप्रैल तक शो हो रहा है, उससे पहले आप लोग का 29 मार्च तक शो हो रहा था। तो दोनों रिवेल्यूशन और ये दोनों ही अपडेट हो रहा है रेगुलर, एक साथ साथ में ही अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सा पेपर का अभी रिवेल्यूशन का, ये जो है ये मैंने रिवेल्यूशन का जो अपडेट मैंने देखा है अभी, रिवेल्यूशन का AMK 01 का कुछ लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है रिवेल्यूशन का, ठीक है। और MEG के पेपर जल्दी जल्दी साइन हो रहा है, तो MEG वालों के लिए अच्छी बात है कि MEG का पेपर जल्दी जल्दी साइन हो रहा है रिवेल्यूशन का दोबारा। तो MEG 8, MEG 4 और MEG 5 के अपडेट मिले हैं मुझे, जो पहले मार्च में ही अपडेट, मार्च में अगर उन्होंने अपना एप्लीकेशन सेंड कर दिया होगा लास्ट मार्च तक भी, तब भी उनके अपडेट आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। MEG के 4 पेपर अपडेट हुए हैं, ECO के 10 और 07 अपडेट हुए हैं, और ACS 01 और MPA 001 इनके अपडेट हुए हैं, BEG 101 और BPSC 212, BLIS का 228 और MLIS का 004। यही सब, सिर्फ इतना ही अपडेट मिला है मुझे रिवेल्यूशन का, क्योंकि मैं आप लोग बता दूं रिवेल्यूशन के लेके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स चिंतित में हैं कि रिवेल्यूशन का उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई भी कोड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा रिवेल्यूशन, तो काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिवेल्यूशन का रिजल्ट मैं बार बार मैं आप लोग को बताता हूँ कि रिवेल्यूशन का रिजल्ट के चक्कर में आप लोग मत रहिए, क्योंकि रिवेल्यूशन का रिजल्ट कभी कभी एग्जाम स्टार्ट होने के बाद तक भी आता है, 70 दिन 80 दिन लग जाता है रिवेल्यूशन का रिजल्ट निकलने में, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आप लोग जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं तो वो इंतजार नहीं करें, कम से कम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दें, नहीं तो दोनों में ही आप लोग फंस जाओगे, इधर रिवेल्यूशन का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं होगा और उधर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप नहीं किया होगा। इसलिए आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ₹120 लगेगा और रिवेल्यूशन का रिजल्ट जब तक आएगा तब तक आएगा, क्योंकि इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। और टर्मिनल एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में अभी तो मैं ज़्यादा चेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, बस कुछ ही कुछ लोग का बाकी बचा हुआ है जिसका मे बी एक UFM वजह भी हो सकता है, अगर किसी ने चीटिंग वगैरह कुछ किया होगा या कोई भी कॉपी की होगी तो उनके ऊपर अनफेयर मीन केस लग सकता है, ठीक है। तो उसके बाद से भी रिजल्ट डिले हो सकता है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिए, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उसने कहीं चीटिंग वगैरह तो नहीं किया है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। और बाकी लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और रिवेल्यूशन का यही मुझे अभी तक अपडेट मिला है, तो आप लोग देख लीजिए, वेट कीजिए, रिवेल्यूशन का रिजल्ट भी जल्दी अपडेट हो जाएगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, ठीक है। ये आप मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने तक भी अपडेट होते रहता है। तो ये सब था अपडेट 15 अपडेट के बाद में रिवेल्यूशन का में ये पेपर अपडेट हुआ था, और 15 अपडेट में ऑलमोस्ट तो बाकी टर्मिनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो ही गया है, कुछ कुछ ही बाकी रह गया है। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।